हेलो एवरीवन दिस इज कनिष्का वेलकम बैक टू चैनल आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोलो स्वैन का मॉडल तो सोलो मॉडल जो स्टेडी स्टेट इक्लेबेरियम बताता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं सोलो मॉडल से तो सोलो ग्रोथ मॉडल को और किस किस नाम से जाना जाता है न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है एंड एक्जोजीनियली ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है अब न्यू क्लासिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्लासिकल्स के बाद आए थे ये न्यू क्लासिकल थे सोलो इसलिए यहाँ पे इसको न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल बोला जाता है एंड एक्सोजेनियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कुछ इनपुट्स हम ऐसे लेंगे जो एक्सोजेनियसली डिटरमाइन हो रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है वो इंडिपेंडेंट है तो वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइन होंगे सोलो के मॉडल में इसलिए इसको एक्सोजेनियस ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है ये मॉडल रॉबर्ट सोलो और स्वैन ने दिया था नाइनटीन में इस मॉडल में क्या है इस मॉडल ये मॉडल एक्सटेंशन है मॉडल का Model, हम macro में नहीं पढ़ते किया, solo model में, solo और swan ने. इस मॉडल में सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस ये तीन फैक्टर्स लिए जाते हैं और ये तीनों फैक्टर्स ही इकोनॉमिक ग्रोथ और लेवल आउट लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे अब यहाँ पे कुछ एज्शन है वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे सोलो uh, और स्वैन ने कुछ एजॉपन्स ली हैं कि ये फॉलो होनी ही चाहिए हमारे मॉडल में तो लेबर एंड कैपिटल सब्सिट्यूटेबल है मतलब यहाँ पे हम लेबर की जगह कैपिटल को और कैपिटल की जगह लेबर को यूज कर सकते हैं सब्सटिट्यूट कर सकते हैं लेबर को कैपिटल से और कैपिटल को लेबर से यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे ऑपरेट हो रही है मतलब क्या है जितने हम इनपुट लगाएंगे उतना हमें आउटपुट मिल रहा है तो कॉन्स्टेंट रिटर्न है जितने इनपुट उतना आउटपुट यहाँ पे ये क्लासिकल का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है मतलब सोलो जो थे वो न्यू क्लासिकल थे तो क्लासिकल नाम में आ रहा है तो क्लासिकल की कुछ ऑब्जप्शन भी यहाँ पे फॉलो होंगी जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा इकोनॉमी में हमारा जो कॉम्पिटिशन रहेगा मार्केट में वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगा आगे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं वो होमोजीनियस हैं एंड यहाँ पे एक ही गुड हम मान के चल रहे हैं और वो होमोजीनियस है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियर है लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होमोजीनियस है

तो वो हमारे हाथ में नहीं है एक्सोजीनियसली डेटरमाइन है एंड टेक्निकल प्रोग्रेस जो भी टेक्नोलॉजी है सोलो ये मान के चले हैं कि वो भी एक्सोजीनियसली डेटरमाइन है टेक्नोलॉजी जो भी आएगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है नेक्स्ट आता है प्राइस और वेज की फ्लेक्सिबिलिटी है जो क्लासिकल्स मान के चले थे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी फ्लेक्सिबल है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी चेंज हो सकते हैं फ्लेक्सिबल है अगर वो इक्विलिब्रियम से ऊपर चले गए तो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन कर सकते हैं फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे कि हमने पढ़ा कैपिटल लेबर और टेक्नोलॉजी ये जो फैक्टर्स हैं ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे किए जा रहे हैं इनकी जो सैलरीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जितना लेबर और कैपिटल काम दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिल रही है पैसा मिल रहा है और सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ये भी क्लासिकल्स के ऑप्शन है कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी और जो सेविंग्स है ये कांस्टेंट रेशो है इनकम का कैसे सेविंग्स हमने देखा कि डिटरमाइन है पर ये कांस्टेंट रेशो है इनकम uh, का तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू एस वाई हमने स्मॉल एस डिनोट किया है एम पी एस को तो एम पी एस क्या है ये प्रपोर्शन बता रहा है इनकम का कितना प्रपोर्शन हम सेव कर रहे हैं तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एस वाई और सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू भी स्मॉल एस वाई हो गया हमने सेविंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं क्लासिकल्स का मॉडल हम पढ़ के आए हैं कि सेविंग्स जो जो भी होंगी वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगी वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है जितनी भी सेविंग होगी वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगी तो जो भी हम इनकम में से सेविंग बचा रहे हैं वही हम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया स्मॉल एस वाई हम इनकम का कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उसको दिखाता है नेक्स्ट आता है कैपिटल डेप्रिशिएट हो रही है कॉन्स्टेंट रेट पे हमारा जो कैपिटल है कैपिटल uh, स्टॉक है उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कॉन्सटेंट रेट पर डेप्रिशिएट हो रही है मतलब उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो कॉन्सटेंट रेट का है लीनियर लाइन line बनेगी हम आगे डायग्राम से भी देखेंगे पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है कॉन्स्टेंट रेट पे अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है जैसे लेबर है वो लेबर ग्रो हो रहा है हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो भी कॉन्स्टेंट रेट से ही ग्रो हो रही है एक पर्टिकुलर रेट से ग्रो हो रही है है पर वो है हमारे हाथ में नहीं है नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन के तीन इनपुट्स हम यहां पे लेके चलते हैं कैपिटल लेबर एंड टेक्नोलॉजी तो प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है जैसे हमने पहले पढ़ा लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है जिसके तीन इनपुट्स लेके चले हैं सोलो कैपिटल और लेबर कैपिटल और लेबर तो प्रोडक्शन फंक्शन में आते हैं यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो कैप लेबर है और टेक्नोलॉजी है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है क्योंकि हमने पढ़ा कि लेबर मतलब ये पॉपुलेशन ग्रो तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है तो लेबर भी हमारी एक्जोजीनियसली डिटरमाइन है क्योंकि पॉपुलेशन ही लेबर को बता रही है एंड टेक्नोलॉजी भी एक्जोजीनियसली डिटरमाइन है हमारे हाथ में नहीं है तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन क्या ले सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन मतलब आउटपुट इज इक्वल्स टू इसको आप आउटपुट बोल सकते हो नेशनल आउटपुट नेशनल इनकम इनकम बोल सकते हो जीडीपी का लेवल बोल सकते हो तो वाई इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल ए हमारा डिनोट करा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो वाई इज इक्वल टू ए टेक्नोलॉजी का फंक्शन फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल तो यहाँ पे ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन लेके चले हैं एंड हमने पढ़ा है डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन तो डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन भी यही तीनों चीजें फॉलो करता है उसमें तीन इनपुट्स होते हैं कैपिटल लेबर एंड टेक्नोलॉजी एंड वो भी लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन फॉलो करता है तो यहाँ पे हम कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन भी लेके चल सकते हैं जिसमें होता है y इज इक्वल्स टू ए लेबर लेबर की पावर एल्फा के बीटा अब ये अल्फा और बीटा क्या है ये हम देखते हैं तो वाई हमने आउटपुट से डिनोट किया है ए हमारी टेक्नोलॉजी रहेगी लेबर एल से डिनोट हुआ है कैपिटल के से डिनोट हुआ है एंड ये जो अल्फा है अल्फा बता रहा है लेबर का कितना प्रोपोर्शन हमारा जो इनकम का कितना प्रोपोर्शन लेबर में है एंड आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन कैपिटल में है बीटा बता रहा है तो अल्फा हो गया आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड बीटा हो गया आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल मतलब आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन कैपिटल में है एंड आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन हम लेबर को दे रहे हैं तो ये यहाँ पे ये सब डिनोट हो गया प्रोडक्शन फंक्शन में अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बेस करती है हमारे प्रोडक्शन फंक्शन पे जो भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसी के हम सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से ही हम प्रोड्यूस करेंगे लेबर और कैपिटल लगा के टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रख के उसमें हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड उसी की सप्लाई होगी फिर तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ एल एंड के अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट पर वर्कर निकालें आउटपुट पर वर्कर मतलब वाई अपॉन एल आउटपुट पर वर्कर निकाल रहे हैं हम तो वाई अपॉन एल हो गया ए कॉन्स्टेंट है फंक्शन ऑफ एल के अपॉन में भी एल आ गया लेबर अपॉन लेबर एंड कैपिटल के अपॉन में भी एल आ गया कैपिटल पर आउटपुट मतलब कैपिटल पर लेबर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आउटपुट पर लेबर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है ए हमने कॉन्स्टेंट रखा फंक्शन ऑफ लेबर पर लेबर लेबर पर लेबर तो वन आ जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा एंड कैपिटल पर लेबर अब यहाँ पे जो ए है वो फिक्स रखेंगे हम क्योंकि टेक्नोलॉजी फिक्स है ये हम एजॉप्शन में पढ़ के आए हैं तो टेक्नोलॉजी फिक्स है एंड लेबर फिक्स है क्योंकि ये एक्जोजीनियसली डेटरमाइन है तो ये हम फिक्स या कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को फिक्स रख दिया एंड लेबर को भी फिक्स रख दिया तो अगर ये फिक्स हो गए तो यहाँ से हम फंक्शन से इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है हमारे हाथ में नहीं है तो हम अपना फंक्शन कैसे लिख सकते हैं आउटपुट पर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर तो ये हमारा हो गया फंक्शन तो सोलो uh, के मॉडल में ये फंक्शन फॉलो होता है अब इसका प्रोडक्शन फंक्शन से ग्राफ बनाना सीखेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन सोलो के मॉडल में ये होता है हम लेके चलते हैं तीन इनपुट्स कैपिटल लेबर और टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी और लेबर फिक्स रहते हैं एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होते हैं तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं तो ये रह गया आउटपुट पर लेबर इज इक्वल इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ पर कैपिटा आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ पर कैपिटल लेबर यहाँ पे जितना भी पर कैपिटा आउटपुट है वो हमारा फंक्शन है कैपिटा पर लेबर का अब देखते हैं आगे इसका डायग्राम तो यहाँ पे हमने y अपॉन एल जो हमारा आउटपुट पर लेबर था इसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करके चले हैं तो स्मॉल वाई लिख दिया इसकी जगह एंड k अपॉन एल कैपिटल k अपॉन एल इसको हम स्मॉल के से डिनोट करके चले हैं तो ये हो गया हमारा आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल ठीक

क्योंकि यहाँ पे जैसा ही हमारे पास एक भी लेबर नहीं है मतलब जैसे ही हमने एक इनपुट बढ़ाया हमारा आउटपुट इंक्रीजिंगली रेट पे इंक्रीज हो गया हमने दूसरा इनपुट बढ़ाया तीसरा इनपुट बढ़ाया तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है पर एक लेवल ऐसा आता है जब हम इनपुट बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे हमारे पास अबंडेंट इनपुट हो गए हैं अब उसके बाद हम बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट उससे इंक्रीज नहीं होगा आउटपुट उतना ही रहेगा तो ये आउटपुट कॉन्स्टेंट हो जाएगा उसके बाद तो यहाँ पे जीरो से मतलब ओरिजिन से ये आ, कर्व फॉलो होगा तो ये प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व है और ये ऐसे अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड बनता है डाउनवर्ड नहीं आएगा ये इधर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है प्रोडक्शन फंक्शन सोलो के केस में तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिख लिया अपना आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल जो हमने डिनोट किया था अभी इस इक्वेशन से आगे देखते हैं आप अब इसी प्रोडक्शन फंक्शन में हम कैसे निकालेंगे MPK. MPK क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है अब देखते हैं अगर हम कैपिटल पर लेबर इंक्रीज कर दें वन यूनिट से हमने कैपिटल पर लेबर पहले इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ो ग्राफ से देखते हैं कि हमने कैपिटल पर लेबर इंक्रीज कर दिया वन वन यूनिट से तो ये टू टू थ्री वन यूनिट से इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे इसका चेंज कितना आ गया वन यूनिट का तो वन अब यहाँ पे इसका वन यूनिट का चेंज आया अब यहाँ पे देखेंगे output कितना इंक्रीज हुआ।, तो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है इस लेवल का तो इस लेवल को बोलेंगे एमपी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मतलब एक लेवल ऑफ इनपुट बढ़ाने से एक कैपिटल uh, uh, पर लेबर बढ़ाने से हमारा कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट में चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे हम एम पी के तो ये वाली जो लाइन डिनोट ये है एंड ऐसे ही हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन तो जैसे ही के अपॉन ऑन एल हमारा कैपिटल पर लेबर इंक्रीज किया हमने वन यूनिट से तो यहाँ पे जो चेंज इन आउटपुट पर लेबर है वो मेजर किया जाएगा कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से जिसको हम एम पी के डिनोट करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी आई होप आपको समझ आ गया हो कि हम अगर एक यूनिट ऑफ कैपिटल पर लेबर बढ़ाते हैं तो उससे आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है वो होता है हमारा मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अब यहां पे पर हेड कैपिटल अगर हम बढ़ाते हैं जितना भी पर हेड कैपिटल बढ़ाते गए मतलब एक एक यूनिट कैपिटल की बढ़ाते गए यहाँ पे हमने एक यूनिट बढ़ाई तो हमारा आउटपुट इतना इंक्रीज हो गया हमारा कर् यहाँ से यहां तक आ गया पॉइंट अब यहाँ पे हमने एक यूनिट और बढ़ा दी तो एक यूनिट और बढ़ाने से पर हेड कैपिटल बढ़ाया है हमने तो इससे जो हमारा एमपी के है आप देख सकते हैं पहले वाला एमपी के का गैप जो था चेंज जो था वो बहुत ज्यादा था एंड नेक्स्ट वाले एम पी के का गैप जो है वो चेंज जो है वो बहुत कम है तो यहाँ पे पर हेड कैपिटल बढ़ाने से हमारा एमपी के डिक्रीज होता है इसीलिए यहाँ पे पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन सोलो के केस में आगे देखते हैं सेविंग्स फंक्शन तो सेविंग फंक्शन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम इसको बोलते हैं क्योंकि सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है तो हम ये देख के आए हैं इक्वेशन कि सेविंग की इक्वेशन हमने क्या ली है ज्यूम करी है कि इनकम का कुछ प्रपोर्शन है जो हम सेव कर रहे हैं तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू स्मॉल स्मॉल एस एस डिनोट करा है एम पी एस को तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी जो इनकम है उसका कितना परसेंट हम सेव कर रहे हैं अब हम लिख सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फंक्शन भी सेम हो गया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल एस वाई तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वाई किसका फंक्शन होता है वाई फंक्शन होता है कैपिटल का ये हमने अभी डिनोट किया था डेरिवेट किया था तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग आया था तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल और यहाँ पे हम वाई की जगह अब ये जो वाई है इनपुट में इनकम जो हमारी दी हुई है इसमें हम ये फंक्शन रख देंगे तो वाई की जगह जैसे ही हमने वाई की वैल्यू रखी है तो इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या था इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एस वाई अब वाई की जगह हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ के तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल एस फंक्शन ऑफ के तो ये हमारा बन गया इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कि बनता है अपवर्ड स्लोपिंग वैसे ही रहता है बस इसका लेवल थोड़ा नीचे रहता है ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का लेवल था ये बिल्कुल पहले कांस्टेंट ऊपर जाएगा लीनियर प्रोपोर्शन में ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाके कांस्टेंट हो जाएगा सबसे लेवल ऊपर पे मतलब आउटपुट हमारा बहुत ज्यादा होगा अब उस लेवल के हिसाब से ये नीचे रहेगा इन, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे ले सकते हैं या तो हम ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट और या तो हम लिख सकते हैं आउटपुट पर लेबर एंड x एक्सिस पे हम कैपिटल पर लेबर ही लेके चल रहे हैं तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन निकल के आ गया है इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी पहले अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी जैसे ही हम कैपिटल पर लेबर को बढ़ा रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट आ रही है

डेप्रिशिएट हो रहा है वो डिनोट किया गया है डिनोट किया गया है डेल से तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया है वाई एक्सिस एक्सिस पे पे एक्स हम वही लेके चल रहे हैं कैपिटल पर लेबर यहाँ पे लीनियर कर्व बनेगा तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी डेप्रिसिएशन की क्योंकि कैपिटल डेप्रिसिएट हो रहा है एकदम कॉन्स्टेंट रेट से जितना हम कैपिटल पर लेबर बढ़ाते हैं उतना ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है तो ये लीनियर है कैपिटल पर लेबर से तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या बना डेल के क्योंकि कैपिटल का ही प्रोपोर्शन है जो डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेल के हम इसको लिख सकते हैं आगे देखते हैं अब स्टेडी स्टेट इक्लेबिरियम अब हम ये तीनों डायग्राम्स को मिक्स करते हैं और स्टेडी स्टेट निकालते हैं सोलो के मॉडल में यहाँ पे क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटरसेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन से अब हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने बनाया ऐसे बनता है पहले अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल एस फंक्शन ऑफ के तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड हमने डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बनाया का कर्व क्या है डेल के जो कि बनता है लीनियर तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन एंड एक्सिस पे वही लिया है हमने कैपिटल पर लेबर एंड यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन भी बना सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन ये ऊपर बनेगा ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होके यहाँ ऊपर की साइड बन जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन तो यहाँ पे स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम अचीव होगा जब हमारा डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन के इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने लिया था स्मॉल एस एफ फंक्शन ऑफ के इज इक्वल्स टू जब डेल के इक्वल हो जाएंगे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा स्टीडी स्टेट इक्विलिब्रियम आएगा तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही स्टीडी स्टेट है अब यहाँ पे ई e जो है वो स्टीडी स्टेट इक्विलिब्रियम है पर हम इसे स्टडी स्टेट बोलते क्यों है ये देखते हैं तो इनिशियली पहले क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है डेप्रिसिएशन से हम फर्स्ट फेज देखते हैं इस फेज में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और डेप्रिसिएशन कम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा हो रही है डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो हमारी कैपिटल क्या करेगी कैपिटल ग्रो करेगी एंड लास्ट वाले फेज में देखते हैं जहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट कम हो गई अब इन्वेस्टमेंट कम है डेप्रिसिएशन ज़्यादा है हमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो यहाँ पे हमारी कैपिटल श्रिंक हो जाएगी एंड e वाला जो पॉइंट है उसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट थी हमारी वो में चली गई तो इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ई e पॉइंट पे जितनी भी हमारी कैपिटल थी वो मेंटेन हो गई वो यूज हो गई किसको डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने में यहाँ पे जितनी भी कैपिटल थी वो डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने में यूज हो गई जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने में यूज हो गई तो ये होता है ई e पॉइंट

डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने में जितना भी कैपिटल है वो यूज हो रहा है तो स्टेडी स्टेट में हमें सेम लेवल है सेम लेवल ऑफ आउटपुट पर लेबर जितना हमारा आउटपुट तो पर लेबर निकल के आ रहा है आउटपुट पर लेबर कैसे प्रोडक्शन फंक्शन से अपॉन एल तो आउटपुट पर लेबर मेंटेन कर रहा है उतना ही कैपिटल स्टॉक हमारे पास है कैपिटल स्टॉक यहाँ पे हमें और नीड नहीं है कैपिटल स्टॉक को चेंज करने की नीड नहीं है तो इसी स्टेज को बोला गया है स्टिडी स्टेट जहाँ पे हम इस पॉइंट से फ्लक्चुएट नहीं करते ये पॉइंट होता है स्टिडी स्टेट इसके पीछे वाला पॉइंट कैपिटल ग्रो हो रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है एंड इसके बाद वाला पॉइंट डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो कैपिटल श्रिंक होगी तो कैपिटल ना ग्रो हो रही है ना श्रिंक हो रही है ई वाले पॉइंट पे जितने भी कैपिटल है वो सारी डेप्रिसिएशन में जा रही है तो यही है स्टेडी स्टेट सोलो का मॉडल आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में